हम सिर्फ आपकी झांसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे योर मैजेस्टी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप हम मर गए। मिस्टर मार्टिन, इस अवसर का लाभ उठाने में आप लोगों ने भी एक पल की देरी नहीं की। हमारे ही दरबार में, हमारे अनुपस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आदेश पारित किया गया कि अब झांसी पर कंपनी का कब्जा है। हमारी झांसी पर आपकी इतनी चिंता प्रशंसनीय है मिस्टर मार्टिन। योर मैजेस्टी, वी इस समय हम हमारे मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करना चाहते हैं। महाराज, आपको इस समय यहां देखकर हम धन्य हो गए। नरसिंह राव जी, इतना आसान नहीं है कि कुछ ही घंटों में हमारी झांसी विदेशियों के हाथों में चली जाए। धन्यवाद तो इस नवयुवक का करो, जिसके अथक प्रयास से हम यहां योग्य समय पर पहुंच गए। ये क्या कर रहे हो बेटे? चरण तो हमें तुम्हारे छूने चाहिए, तुम्हारे उस उपकार के बोट से तो हम पापा। पापा, आप हमारे लिए तो हमारे बाबा समान ही है ना? हाँ, वो तो है, वो तो है बेटे, परंतु हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएंगे। कर्तव्य किसी पर उपकार नहीं होता बाबा। युग युग जियो बेटे, युग युग जियो। आज बहुत लाड आ रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब आपके लाड़ों पर लाड ना आए। झूठ, जब देखो तो डांटते रहते। उसी डांट के पीछे छिपा मेरा प्यार नजर नहीं आता था।
हमें आपका आशीर्वाद मिल गया पापा। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम ये भी जानते हैं आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे मुझे लगा कि मेरी मनु। हमें भी उनकी बहुत याद आती है, परंतु वो यहाँ कहाँ? हाँ, वो यहाँ कहाँ? स्मृति ने मुझे किस गौरव के साथ अपनाया है, इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी। कसम है स्मृति की, अपनी झांसी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, खून की आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करेंगे। यदि महाराज शीघ्र ही महल नहीं पहुंचे तो तुमसे तुम्हारा गांव ही नहीं, ये फिरंगी तुमसे तुम्हारी झांसी भी छीन लेंगे। आज से मेरे लिए झांसी झांसी नहीं मां। भाई साहब, नहीं तात्या गुरु, हम आपके लिए मनु थे, मनु हैं और सदैव मनु ही रहेंगे। नहीं बेटा, जब शिष्य गुरु का सपना साकार करते हुए नजर आता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, इसलिए अब हम आपको भाई साहब कहकर ही पुकारेंगे। अब ये भेष उतार दीजिए भाई साहब, पूरी झांसी अपनी महारानी की राह देख रही है। नहीं तात्या गुरु। भाई साहब ये उचित नहीं है, झांसी का सिंहासन अपनी महारानी के बिना पूर्ण नहीं है। महाराज गंगाधर राव भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, किंतु आपके वियोग और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। वो संपूर्ण झांसी आतुर है, वो अपनी महारानी की राह तक रही है। प्यारे झांसी वासियों, ये केवल आपके अटूट विश्वास के कारण संभव हुआ है। सच पूछिए तो इसका श्रेय केवल हमें नहीं उस नवयुवक को भी जाता है जिसने हमारी प्राण बचाए और सही समय पर हमें यहां पहुंचाया, और साथ साथ लूटे हुए खजाने को भी हमें लौटा दिया। अब अंग्रेजों का उनका खजाना लौटाकर हम अपने 11 गांव वापस ले आएंगे। आराध्य गंगाधर राव की जय।
ठीक है भैया, वहाँ तो गंगाधर को रानी लेके चली रही, ये ससुरा लौंडा कहाँ से आएगा? कौन और ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई है कर्मा भैया। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि उस नवयुवक को राजसी अतिथि घोषित करते हैं और हम सभी से उसके सम्मान का आग्रह करते हैं। उस नवयुवक का नाम है धरती का राजा। राजा, देवा, उस लड़के को दीर्घायु बनाना। उसने महाराज की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित महल तक पहुंचा दिया। उसने जो भी किया वो उसका धर्म था। काका, आपने उसे पहचाना नहीं? वो लड़का कोई और नहीं काका, वो आपकी मनु थी। कर्तव्य किसी पर उपकार नहीं होता बाबा, आप हमारे लिए तो हमारे बाबा समान ही है। वो हमारी मनुती तथा वो फिर वो काका, अभी उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक वो इन फिरंगियों के अधिकार से झांसी के 11 गांव छुड़वा नहीं लेती, तब तक उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन हम लोग का सब लुटा के आई हैं। क्या हुआ रानी? अरे हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारा धन और घोर शत्रु को भी ले गई। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ा धीरज रखो भैया, आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। काहे का धीरज? एक खजाने पे थोड़ी बहुत आश थी, वो भी गया और हमारा शत्रु भी। अरे काहे रानी के पीछे पड़े हो? एक ही दिन में भूल गए कि हम लोगों का इन फरंगियों से कैसे पीछे छुड़ाई थी? तो हम लोगों का क्या मिला है? अरे कल जब तुम्हार सबके बच्चे भूखो मरेंगे ना, तब पता चलेगा। हाँ, आप लोगों को अपनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। देखिएगा, कल का सूरज हमारे जीवन में खुशियां भर देगा। बहुत हो गई इन फिरंगियों की मनमानी, अब सर उठा के जीने का समय आ गया है। हमें तुम पर पूरा विश्वास है बेटी। भैया हमें तो पूरा विश्वास है अपनी रानी पर। हाँ, हमारा विश्वास है। हमने सुना है आपकी पत्नी ने आपके साथ विश्वासघात किया। सत्य तो यह है कि हमने महारानी के साथ विश्वासघात किया। महाराज गंगाधर राव भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहे, किंतु आपके वियोग और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं।
देवर जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारी भूल का आभास हो गया है। ये फिरंगी किसी के अपने नहीं होते देवर जी। ये महाराज, आज तक हमने आपके साथ जो व्यवहार किया है, हम क्षमा योग्य तो हैं ही नहीं, परंतु यदि आप हमें क्षमा करें। देवर साहब, हमें बख्श दीजिए। आपकी गैर मौजूदगी में सारी झांसी को एहसास हो गया कि आपके बिना हम अधूरे हैं, हमारा कोई वजूद नहीं। हमें बख्श दीजिए देवर साहब, बख्श दीजिए। वही नहीं सर, गलतियां ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है। रास्ते में पड़ा पत्थर अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। अब ठोकर खाकर भी ना संभले तो यात्री का दुर्भाग्य है। हमने अपने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है वही सर, इसलिए क्षमा याचना से परे आइए। बीती बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। आइए वहीनी साहब, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमें इस समय सबसे पहले अंग्रेजों से वो 11 गांव वापस लेने हैं। रघुनाथ। महाराज, प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। अनुबंध पत्र तैयार कीजिए। अनुबंध पत्र के अनुसार कल सुबह हम अंग्रेजों को यह खजाना वापस करके अपने 11 गांव वापस ले लेंगे। भगवान करे कल का सूरज इन गांव वालों के लिए खुशियां लेकर आए। इन गांव वालों के दिलों में जो महाराज के लिए घृणा है वो समाप्त हो जाए।